तेजस्वी यादव के द्वारा ये आरोप लगाया गया है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार शराब बेचने का काम करते हैं। इस पर ललन सिंह ने कहा कि तेजस्वी यादव को आप लोग क्यों गंभीरता से लेते हैं, तेजस्वी यादव की किसी बात को गंभीरता से नहीं लीजिए। कितने दिन पहले हम लोगों के साथ थे, कितना गुणगान करते थे, अब जब गए हैं उनका बस काम है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, बिहार की जनता सब समझ रही है। तेजस्वी यादव के माता पिता ने 15 साल बिहार की क्या दुर्दशा करके रखी है और आज भी उनके मन में यही कल्पना है, इसलिए तेजस्वी यादव की बातों को गंभीरता से नहीं लेनी चाहिए। तेजस्वी यादव जी को बार बार हम कहते हैं कि उनको क्यों गंभीरता से आप लोग लेते हैं। तेजस्वी यादव जी की किसी बात को गंभीरता से मत लीजिए। अभी कितना दिन पहले तक हम लोगों के साथ थे तो कितना गुणगान करते थे, अभी का जब गए हैं तो उनको सब ये उनका काम है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। बिहार की जनता सब समझ रही है कि तेजस्वी यादव जी के माता पिता ने 15 साल बिहार का क्या दुर्दशा करके रखा था और आज भी उनके मन में वही कल्पना है, तो इसलिए तेजस्वी यादव जी की बात को गंभीरता से मत लीजिए। अच्छी बात है, उनको जिसका जिसको मन करे वो कर ले। अब ये उनका दर्शाता है कि क्या कर रहे हैं, वो किसको किसको ला रहे हैं, तो दोष हमको दे रहे हैं और काम वही कर रहे हैं। बीजेपी के नेताओं को लालू यादव कह रहे हैं पाखंडी। लालू यादव से बड़ा कोई पाखंडी है वो है क्या इस देश में? उनसे बड़ा कोई पाखंडी है इस देश में? इतना लंबा समय तक बिहार में राज किए, भ्रष्टाचार का इतिहास कायम किए, भ्रष्टाचार में सजा हुई, ये साबित हो गया कि उन्होंने भ्रष्टाचार किया, फिर भी उसके बाद बोल रहे हैं, तो क्या करिएगा इसका। वहीं ओसामा साहब आज राष्ट्रीय जनता दल का दामन थाम रहे हैं। इस पर ललन सिंह ने कहा कि अच्छी बात है, ये उनका दर्शाता है कि क्या कर रहे हैं, वो किसको किसको ला रहे हैं। जेडीयू का नया नामकरण कर दिया है, जहां लिमिटेड दारू। अब फिर उनका फिर वही बात कर रहे हैं, उनको कहेगा गंभीरता से लेते हैं। जेडीयू का नामकरण वो करेंगे कि जेडीयू बना है संघर्ष से। तेजस्वी जी आए हैं पिता के विरासत से और जनता दल यूनाइटेड बना है लालू यादव के शासन काल में संघर्ष के बल पर जनता दल यू बना है। आपके मंत्री हैं नीरज कुमार, उनको लीगल नोटिस भेजा गया है। उनको भेजा गया है तो उनसे ना पूछिएगा, वो जवाब देंगे। चार सीटों पर विधानसभा का उपचुनाव है, सब सीट जीतेंगे हम लोग। बीजेपी के नेताओं पर लालू यादव ने कहा था कि पाखंडी। इस पर ललन सिंह ने कहा कि लालू यादव से बड़ा कोई पाखंडी इस देश में नहीं है। देश में इतना लंबा समय तक बिहार में राज किया, भ्रष्टाचार का इतिहास कायम किया, भ्रष्टाचार में सजा हुई, ये साबित हुआ कि भ्रष्टाचार किया, फिर भी उसके बाद वो बोल रहे हैं तो क्या किया जाए। तेजस्वी यादव के द्वारा जदयू का नामकरण करने पर ललन सिंह ने कहा कि उनको गंभीरता से लेने की कोई आवश्यकता नहीं है, वो नामकरण करेंगे, जदयू बना है संघर्ष से, तेजस्वी जी के पिता की विरासत से। वहीं बिहार विधानसभा के 4 सीटों पर उपचुनाव होने हैं। इस पर ललन सिंह ने कहा कि सबकी सब सीट हम लोग जीतेंगे। पंजाब केसरी टीवी के लिए पटना से अभिषेक कुमार सिंह की रिपोर्ट। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।